राजस्थान की सरजमीन वैसी अनमोल नगीनों से भरी पड़ी है, लेकिन एक नायाब कोहिनूर ने मरुधरा को हमेशा गौरवान्वित किया है। ये कोई और नहीं बल्कि देश की राजनीति की 6 दशक तक सेवा करने वाले श्री राम निवास मिर्धा हैं, जिनके विचार प्रदेश को नई ऊर्जा देते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर राजस्थान एक बार फिर अपने लाल को याद कर रहा है। आज बात राजस्थान की राजनीति के उस पुरोधा की, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से देश के राजनीतिक पटल पर एक अलग पहचान बनाई, स्वर्गीय श्री राम निवास मिर्धा। राजस्थान की राजनीति में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश और देश की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री राम निवास मिर्धा ने कई संवैधानिक और सामाजिक पदों को सुशोभित किया। उनका जीवन जन्म से मृत्यु तक की एक कहानी भर नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व की पाठशाला है, अनुभव की यूनिवर्सिटी है, समाज सेवा की मिसाल है। राजस्थान की राजनीति इस नाम के बिना अधूरी है। श्री राम निवास मिर्धा एक अद्भुत जीवन की कहानी की शुरुआत होती है 24 अगस्त 1924 से नागौर के कुचेरा गांव से, जहां जोधपुर रियासत के पुलिस महानिरीक्षक श्री बलदेव राम मिर्धा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। वे बचपन से ही विलक्षण थे। श्री राम निवास मिर्धा अपनी इसी विलक्षण प्रतिभा के कारण आज भी हमारी स्मृति में है। श्री मिर्धा की पत्नी का नाम श्रीमती इंदिरा मिर्धा है और उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी है। श्री मिर्धा ने अपनी एमए और एलएलबी की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने जिनेवा के ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से भी शिक्षा प्राप्त की। श्री राम निवास मिर्धा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है 1953 से, जब उन्होंने राज्य सेवा से इस्तीफा देकर जायल क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। उन्होंने 13 नवंबर 1954 से मार्च 1957 तक मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में सिंचाई और परिवहन आदि विभागों में मंत्री पद पर कार्यभार संभाला। 1957 के चुनाव में वे लाडनू और 1962 में नागौर से फिर विधायक चुने गए। राम निवास मिर्धा लगातार 25 मार्च 1957 से 2 मई 1967 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1970 में पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में गृह राज्य मंत्री नियुक्त हुए और बाद में 1977 तक नागरिक आपूर्ति एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। वे 1977 से 1980 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। श्री राम निवास मिर्धा ने 1983 में सिंचाई राज्य मंत्री और 1984 में विदेश राज्य मंत्री का पद ग्रहण किया। राजीव गांधी सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में वस्त्र मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। दिसंबर 1984 में उन्होंने पहली बार नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ा और नाथुराम मिर्धा को पराजित किया। उसके बाद वे 1991 में मध्यावधि चुनाव में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए। श्री मिर्धा कई वर्षों तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन में हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भी शामिल है। इसके अलावा श्री मिर्धा 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी रहे। साथ ही वे भारतीय युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। श्री राम निवास मिर्धा तकरीबन 6 दशकों तक राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। श्री राम निवास मिर्धा न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता के लिए भी काफी लोकप्रिय थे। युवाओं की सोच से तालमेल बिठाकर चलना और अपने अपार अनुभवों से हर समस्या को पल में सुलझा लेने में श्री मिर्धा सक्षम थे। वे पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते थे और अपने लोगों को भी इसका महत्व समझाने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। अपने बेमिसाल जीवन में उन्होंने समाज, प्रदेश और देश की कई रूपों में सेवा की। उनका जीवन प्रेरणा देता है, उनका जीवन शिक्षा देता है। 29 जनवरी 2010, ये वो तारीख थी जिसने हमसे हमेशा के लिए श्री राम निवास मिर्धा को छीन लिया। उनकी स्थूल देह तो अनंत में समा चुकी है, लेकिन वे आज भी विचार बनकर, शब्द बनकर, शिक्षा बनकर, प्रेरणा बनकर हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर फर्स्ट इंडिया परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।